पेट्रोल की कीमतों में 35 रुपए, जी हाँ 35 रुपए का इकट्ठा इजाफा किया गया है। यूएई ने और सऊदी अरब ने बात की कि भाई ये कश्मीर की राट को जी सर, उन्होंने उनको एडवाइस किया है कि ये कश्मीर का पीछा छोड़ें और भारत के साथ टर्म्स बेहतर करें। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर आवाम का पारा हाई हो चुका है। पेट्रोल नायाब होता जा रहा है, बस ये पाकिस्तान छोड़ देना ही बेहतर है, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला अपना कर्म करे। सुर्खियां अखबारों की लगी हुई है कि तुम्हारे रोने का वक्त आ गया है, तुम्हारी चीखें निकलेंगी, तुम्हारा ये हो। ये खुदा रहा, ये इस मुल्क में मैं तो अब यकीन करें कभी कभी खौफ आता है। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको ये पता है कि हम कब तक इनको खिलाते रहेंगे। सब्जियां महंगी क्यों हैं? क्योंकि लाने का किराया बढ़ गया है। दालों की कीमतों को क्या हुआ? क्योंकि मंडी तक लाने ले जाने का किराया बढ़ गया है। अब इस हकदार साहब ने कहा जी के वो अल्लाह ने ये मुल्क बनाया था, अल्लाह ही बचाएगा। तो ये किस तरह का माइंडसेट है? 15 दिन का स्टॉक रह गया है मुल्क में, दालों की किल्लत हो जाएगी। पैसे नहीं है ना, ये जो बुनियादी किसी भी मुआशरे की आम लोगों के लिए जरूरत की चीजें होती हैं, वो सब भारत से आ सकती हैं। पाकिस्तान को ऑफर करवानी चाहिए इंडिया को कि आप हमारे आए, हमारे मुल्क में आए और हमारे जमीन के अंदर अपने प्लांट्स लगाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट करें। कि इनकी निजात का कोई रास्ता नहीं है भारत के साथ अपने मामला सीधे किए बगैर। भारत ने इनके किसी मसले को खराब नहीं किया, इन्होंने अपने पीछे बात की कि यूएई ने और सऊदी अरब ने बात की कि भाई ये कश्मीर की राट को। जी सर, उन्होंने इनको एडवाइस किया है, यूएई और सऊदी अरब ने इनको एडवाइस किया है कि ये कश्मीर का पीछा छोड़ें और भारत के साथ टर्म्स बेहतर करें। तो आपको लगता है ये मानेंगे? यही सबसे अहम बात है। मैं कई सालों से और खास तौर पर 2-3 सालों से ये बार बार अपने शोज में और आपके शोज में, सबके शोज में कह रहा हूँ कि इनकी निजात का कोई रास्ता नहीं है भारत के साथ अपने मामला सीधे किए बगैर। भारत ने इनके किसी मसले को खराब नहीं किया, इन्होंने अपने मसाइल को उलझाया खुद ही है। अब भारत के साथ मसाइल हल करने से ये कैसे ठीक होगा? यानी चूंकि सऊदी अरब हो, यूएई हो, वो बहुत अरसे से इनको ये एडवाइस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है ना कश्मीर की जो रट लगाई हुई है इसको छोड़ो। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको ये पता है कि हम कब तक इनको खिलाते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक अंधी खाई है जो इनका निजाम है पाकिस्तान का, तो कब तक वो इसको भरते रहेंगे? और वो भरा नहीं जा सकता। हल ये कि पाकिस्तान की जो जरूरियात है जैसे अद्वियात, गंदम, सब्जियां, ये जो बुनियादी किसी भी मुआशरे की आम लोगों के लिए जरूरत की चीजें होती हैं, वो सब भारत से आ सकती हैं। और भारत से तभी आएंगी अगर ये, जिसे पंजाबी में कहते हैं, बंदे दे पुत्र बने दो। अब ये तो कश्मीर की वो जो है ना रथ पे, यानी वो जो घोड़े की रथ, उस पे सवार है। हाथ में इन्होंने एक जाली सी तलवार पकड़ी हुई है कि हम लेके रहेंगे कश्मीर, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये चल रहा है। जो चीज इनको भारत से लेना है रिक्वेस्ट करके कारोबार के जरिए, वो है गंदम, वो है प्याज, वो है आटा, ठीक है ना, मतलब वो है आपकी जरूरियात जिंदगी की जो अशिया होती है वो है अदवियात। ये चीजें इनको चाहिए। उसके लिए भारत को अब इनके पुराने जो है ना तरीके, वो नहीं एक्सेप्टेबल कि जी ये ऊपर ऊपर से कहते रहे। भारत ये अब वाजे तौर पर चाहता है कि भाई ये जो टेररिज्म जो इनकी तरफ से मुसलसल होती है, विजिबल भी और इनविजिबल भी। विजिबल तो आप देख लीजिए ना, 1993 के बॉम्बे के बम ब्लास्ट की एक सीरीज थी, उससे लेके फिर ये पुलवामा तक, इसके बीच में दर्जनों खौफनाक वाकयात किए और उनमें से बेशतर साबित हो गए इंटरनेशनल लेवल पे, खुद भी इनके लोग मानते हैं। अच्छा, वो सारे का सारा इनको अब इस तरह की कार्रवाइयों के लिए ओपनली तस्लीम करना होगा इंटरनेशनल लेवल। चलिए अगर वो उसकी हिम्मत नहीं है या उसका इनको पब्लिक कंजम्पशन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये इनको बीच में इंश्योरेंस लेनी होगी। जाहिर है वो इंश्योरेंस सबसे पहले तो यूएई और सऊदी अरब भी मांग देगा ना इनके बिहाफ पे, मगर वो तभी देगा जब उनको यकीन होगा कि ये अब बंदे के पुत्र बन गए। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, दे आर वेरी चेंज्ड स्टेक होल्डर्स ऑन वर्ल्ड स्टेज। वो दुनिया में इस बहुत सेंसिबल
काम कर रहे हैं, मैं मतलब उनका काफी मदा हो चुका हूँ बहुत सारी चीजों में। जाहिर है आइडियल तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता, तो वो बहुत जो है वो खरे और ऑनेस्ट लोग हैं अपने एजेंडा पे। अब इसहाकदार साहब ने कहा जी के वो अल्लाह ने ये मुल्क बनाया था, अल्लाह ही बचाएगा। तो ये किस तरह का माइंड सेट है? फॉर गॉड से अच्छा यहाँ तक कह दिया कि भाई सऊदी अरब भी कलमा के नाम पे नहीं बना था, हम तो बने थे। माय गॉड कम ऑन, अल्लाह ने मुल्क शायद नहीं बनाया था, ये अंग्रेजों ने मुल्क बनाया था फॉर गॉड से। यानी झूठ को समझना ही नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हैं। एक तो देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक तो ये होता है ना कि आदमी को पता हो भाई ये झूठ है और मैं किसी वजह से बोल रहा हूँ, चलिए वो फिर भी मतलब जिसको हम मुनाफिक कहते हैं वो फिर भी मतलब मेरे नजदीक ही होता है कि यार इसको एटलीस्ट रियलाइजेशन है कि ये गलत है, ये सही है। ये ऐसे बदबख्त हैं। इजिप्ट के पीएम आए थे इंडिया विजिट के लिए, गाइस इंडिया के नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की उन्होंने कि आप आए इजिप्ट के अंदर हमारी जमीन खरीदें, मिस्र के अंदर आए हमारी जमीन खरीदें और वहां पर अपने बड़ी फैक्ट्रीज लगाएं, बड़े प्लांट्स को लगाएं। गाइस आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हालात, पाकिस्तान के अंदर फूड क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, अभी पेट्रोल क्राइसिस, उसके बाद डॉलर भी गरीब की पहुंच से बहुत दूर चला गया। गाइस इन सब के हालात के बावजूद क्या पाकिस्तान को ऑफर करवानी चाहिए इंडिया को कि आप हमारे आए हमारे मुल्क में आए और हमारी जमीन के अंदर अपने प्लांट्स लगाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट करें? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या इंडिया को हमें इजाजत देनी चाहिए या नहीं, क्या इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है? पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि डॉलर ने आज छलांग लगा दी, डॉलर एकदम से 83 रुपये बढ़ गया सर, और उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पेट्रोल की कीमतें भी 300 पर जा रही है तकरीबन। आप देखते हैं कि हर चीज़ का बहरान आ गया मुल्क के अंदर, शॉर्टेज इलेक्ट्रिसिटी की, शॉर्टेज फूड की, शॉर्टेज हर चीज़ को, ये क्या हो रहा, क्यों हो रहा है, इस बारे में आप क्या जानते हैं? में ये है कि देखें मुल्क की इकॉनमी थोड़ी सी शैटर्ड तो है और उसे ज़ाहिर है गवर्नमेंट संभालने की कोशिश कर रही है, तो ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल मार्केट है, ज़ाहिर है जो उसके साथ आपने उसके साथ तो चलना है, तो मामला तो और भी बेशुमार हैं, मतलब चाहे पॉलिटिकल हो जो भी हो, तो मसला ये कहने का कि उस मामले पर ज़ाहिर है गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है अपनी कि उसको स्टेबलाइज करे। सर हम भारत से इसलिए अलग हुए थे ताकि हम अपने रस्म और रिवाज, अपने इस्लाम और अपने ज़्यादा तरक्की कर सकें, मुल्क को ज़्यादा तरक्की की तरफ लेके जाएँ, सर यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है।